हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम समर स्पेशल एक ऐसी मिठाई बनाने वाले हैं जो सभी की फेवरेट होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं खरबूजे की मिठाई, जो देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं खरबूजे की स्वीट बनाना। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो खरबूजे की स्वीट बनाने के लिए हम ले लेंगे 700 ग्राम खरबूजा, जिसको हम काट लेंगे और इसके बीज को अलग कर देंगे। तो हमने यहाँ खरबूजे को काट लिया है और इसके सीड्स अलग कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो खरबूजा है वो ग्रीन वाला खरबूजा है, आप चाहें तो येलो वाला भी ले सकते हैं, कोई भी खरबूजा ले सकते हैं। तो मैं जो लेकर आई वो ग्रीन वाला है। तो यहाँ पर मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं और अब इस खरबूजे को हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये खरबूजा काफ़ी जूसी होता है तो इसमें से काफ़ी सारा जूस निकल आया है, तो इस जूस को भी हमें इसी रेसिपी में यूज़ करना है, तो इसको अलग मत कीजिएगा। और ये खरबूजा बहुत जल्दी ग्रेट हो जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये फटाफट से ग्रेट हो गया और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब ये खरबूजा ग्रेट हो जाएगा तो हम इसको एक कटोरी में शिफ्ट कर लेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी का पता चल जाएगा कि कितना खरबूजा है और कितनी चीनी लेनी है, क्योंकि चीनी इसी हिसाब से ली जाएगी। तो मैंने सारा खरबूजा एक बाउल में डाल दिया है और ये पूरा एक बाउल भर गया है। तो अब हम खरबूजे की मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे गैस पर चढ़ा दिया है और अब ये जो खरबूजा है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और कढ़ाई में डालकर 2-3 मिनट तक बॉयल होने तक पकाना है ताकि इसका जूस सारा निकल जाए। जब हम इसको गर्म करेंगे तो और भी ज़्यादा पानी निकल जाएगा इसमें से। तो ये कढ़ाई गर्म हो गई है और खरबूजा गर्म हो रहा है और देखिए और भी जूसी हो गया है, और भी पानी निकल आया है। तो हम उसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी मिलाने के बाद भी हमें चलाना है, तो यहाँ पर चीनी घुल जाएगी तब तक हमें इसे चलाना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट में यहाँ पर चीनी भी पूरी तरह से घुल गई है। तो अब हमें लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसे हमें पानी में घोल लेना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, पहले पानी में करके डालना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक घोल तैयार कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है और कॉर्नफ्लोर डालकर लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग जाएगा और जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद भी हमें थोड़ी देर इसे पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। और इसको हमें धीमी आँच पर ही पकाना है, बहुत तेज नहीं करना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, पूरी रेसिपी धीमी आँच पर ही बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दूँगी। घी डालने से इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल जेली फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे और धीमी आँच पर इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देना है। और जब ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, जमने की फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें एक प्लेट लेना है और प्लेट को घी लगाकर ग्रीस कर देंगे जिससे ये चिपके नहीं और आसानी से छूट जाए। तो ये मैंने प्लेट में घी लगा दिया है और अब हम इस मिश्रण को इस प्लेट में डाल देंगे और प्लेट में मिश्रण को डालकर अच्छे से फैला देंगे और ऊपर से चिकना कर देंगे। और उसके बाद हमें इसको रख देना है फ्रिज में लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो मैंने अभी इसको फ्रीज़र में रख दिया है और 2 से 3 घंटे में ही ये जमकर तैयार हो जाएगी। तो हम इसके पीसेस में कट कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छी जेली फॉर्म में जो मिठाई होती है वो बन के तैयार हुई है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो एक बार ट्राई करें। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।